अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ एजुकेशन, 12th एजुकेशन, लेसन नंबर 10, एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मल एडजस्टेड चाइल्ड। तो बेटा ये हमारा लेसन नंबर 12 है, 12th एजुकेशन में लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। इस लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे क्या ट्रीटमेंट ऑफ मल एडजस्टेड चाइल्ड, मल एडजस्टेड चाइल्ड की हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली चीज बेटा आपको याद रखनी है, ट्रीटमेंट ऑफ द मल एडजस्टेड चाइल्ड इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड। ये हम खुद नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें उसके रिलेटेड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मेडिकल हिस्ट्री नहीं होगी, हेल्थ हिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ मल एडजस्टेड चाइल्ड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। उसके बाद इस ट्रीटमेंट में हम फॉलोइंग स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं। पहला, मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले हम बेटा मल एडजस्टेड चिल्ड्रन की क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि हमें पता चले ये जो मल एडजस्टेड चिल्ड्रन है, ये जो मल एडजस्टेड चाइल्ड है, इसमें मल एडजस्टमेंट किस चीज से है। क्या ये फिजिकल डिजीज है, क्या ये मेंटल डिजीज है, क्या ये बिहेवियरल डिजीज है, क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये क्या है। ठीक है बेटा, इसके लिए डॉक्टर पहले क्या काम करता है बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन। दूसरा ट्रीटमेंट, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बेटा क्या काम करते हैं, इस इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज करते हैं। कैसे बेटा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा थेरेपीज का, साइकोडायनामिक थेरेपी है बेटा, बिहेवियर थेरेपी है बेटा, कॉग्निटिव थेरेपी है बेटा। जब डॉक्टर को पता चलता है ये जो बेटा इंडिविजुअल है इसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर है, वो इसको रेफर करता है बिहेवियर थेरेपी के लिए। बिहेवियर थेरेपी का मतलब यहां क्या है बेटा, ऐसी चीजें, ऐसा बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल में मल एडजस्टमेंट क्रिएट करता है, उस बिहेवियर को रिमूव करना, उसके रिलेटेड उसको काउंसलिंग करना, उसके रिलेटेड उसको अंडरस्टैंडिंग कराना। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, साइकोडायनेमिक थेरेपी, ये देखना कि इसके दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो इसमें मल एडजस्टमेंट लाता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है हमारे माइंड में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डायनेमिक एस्पेक्ट, टोपोग्राफिक एस्पेक्ट, इद ईगो सुपर ईगो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। तो जिस किस्म की डिजीज होगी उसी के हिसाब से थेरेपी, उसी के हिसाब से काउंसलिंग। ठीक है बेटा, इसी तरह कॉग्निटिव थेरेपी में, मतलब हमें एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज करना है, उसकी थिंकिंग चेंज करनी है, उसकी मेंटल एबिलिटी चेंज करनी है, उसकी रीजनिंग चेंज करनी है। ठीक है बेटा, ये दूसरा। तीसरा, चेंज इन द चाइल्ड्स एनवायरमेंट। और बेटा एक एनवायरमेंट में अगर चाइल्ड अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, हमें उस एनवायरमेंट को ही चेंज करना है, स्कूल चेंज करना है, फिर बेटा फैमिली में जहां वो रहता है उसकी फैमिली को वहां से शिफ्ट करना है, नए नेबरहुड में जाना है। ठीक है बेटा, ताकि बच्चे को नए माहौल से कुछ अच्छी चीजें मिले, जो जब बच्चा नई सोसाइटी में जाएगा, नए एनवायरमेंट में जाएगा, इसके लिए आसानी हो इस नए एनवायरमेंट में एडजस्ट करना और पुरानी यादों को भूल जाना, पुराने एनवायरमेंट में जहां ये एडजस्ट नहीं हुआ वो इसके दिमाग से बाहर निकालना। इसीलिए हम कहते हैं चेंज इन द एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट हो सकता है, होम एनवायरमेंट हो सकता है, फैमिली एनवायरमेंट हो सकता है, इसको चेंज करना है। इसी तरह बेटा चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बेटा अगर पेरेंट्स फेवरेटिज्म दिखाते हैं, अगर पेरेंट्स बेटा क्या काम करते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा मॉरलिटी पे डांटते हैं, अपने बच्चों के साथ ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं है, अपने बच्चों को ज्यादा प्यार नहीं देते हैं, ये एटीट्यूड चेंज करना है। पेरेंट्स को बच्चों के टुवर्ड्स काइंडनेस दिखानी है, सिंपैथी दिखानी है, लव दिखाना है, फीलिंग्स दिखानी है, अट्रैक्शन दिखाना है। ठीक है बेटा, ताकि बच्चों को भी लगे हमारे पेरेंट्स को हमसे अफेक्शन है, वो हमारी केयर करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह टीचर्स, बेटा हमारे सोसाइटी में टीचर को कहा जाता है नेशनल बिल्डर। ठीक है बेटा, या हम कहते हैं जो बेटा हमारा कुरान है वो हमें कहता है टीचर इज नेक्स्ट टू गॉड। ठीक है बेटा, हम कहते हैं एक उस्ताद बच्चों के लिए क्या होता है बेटा, नेक्स्ट टू गॉड। तो इस टीचर को भी ये चीज समझनी है कि मेरी वजह से बच्चों में हौसला बढ़ना चाहिए, मेरी वजह से
बच्चों में दिलचस्पी बढ़नी चाहिए, वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करें। मेरी वजह से उनमें मल एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस टीचर को नहीं करनी है, ज्यादा रूड बिहेवियर टीचर को नहीं करना है बच्चों के साथ। तो ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर टीचर को चेंज करना है, ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर पेरेंट्स को चेंज करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा कैसे हमें पता चलेगा किसी कोई पर्सन जो है ये मल एडजस्टेड पर्सन है। उसके लिए बेटा दो, डिटेक्शन ऑफ मल एडजस्टमेंट रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ साइकेट्रिस्ट। मल एडजस्टमेंट को जानने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट का स्किल, विच वी कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए टीचर। एक टीचर के पास तो ये नहीं हो सकता है, बट द टीचर एट द प्रिलिमिनरी स्टेज कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग मल एडजस्टमेंट। मगर टीचर जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज होता है, वहां डिटेक्ट कर सकता है एक बच्चे के अंदर मल एडजस्टमेंट है या नहीं है। कैसे बेटा? बाय फॉलोइंग वेज। कैसे बेटा? ऑब्जर्वेशन। बेटा वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है। हमने पढ़ा है बेटा ऑब्जर्वेशन दो किस्म का होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक होती है वो ऑब्जर्वेशन जब बच्चे जानते हैं कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वो इस ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बनते हैं। दूसरी होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां बच्चों को मालूम नहीं होता है। अगर एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां बच्चों को मालूम होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। दूसरी होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां बच्चों को नहीं मालूम होता है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो बच्चे क्लास में बैड बिहेवियर करते हैं, जो बच्चे क्लास में डिसिप्लिन नहीं होते हैं, उनको हम बेटा कर सकते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये देखने के लिए क्या ये जानबूझ के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या इनमें कोई मल एडजस्टमेंट है। ठीक है बेटा, इंटरव्यू, हम बच्चों का इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यह पढ़ नहीं पा रहा है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हम उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू से हमें पता चलेगा इस बच्चे में कौन सी मल एडजस्टमेंट है, एंड यूज ऑफ डिफरेंट टेस्ट, या डिफरेंट टेस्ट से पर्सनैलिटी के अलग अलग टेस्ट आते हैं। ठीक है बेटा, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे में मल एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो बेटा कल हम इस लेसन का नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिम्टम्स ऑफ मल एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।